ये किसी मंत्री या विधायक का काफिला नहीं है, ये खनन विभाग की टीम है। खनन विभाग की टीम चंडीगढ़ से खनन क्षेत्र का दौरा करने यमुनानगर पहुंची। खनन विभाग के डायरेक्टर अमिताभ ढिल्लो खनन क्षेत्र को देखकर सख्ते में आ गए, क्योंकि अवैध खनन बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन को देख उन्होंने खनन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की और स्थानीय अधिकारियों को जांच के आदेश देकर खाना पूर्ति करते हुए चलते बने। आपको बता दें कि स्थानीय निवासी अशोक कुमार ने पीएमओ में अवैध खनन की शिकायत की थी, जिसके बाद पीएमओ ने खनन विभाग को जांच के आदेश दिए। वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि चंडीगढ़ से आई खनन विभाग की टीम ने उनसे कोई संपर्क नहीं साधा। मेरे को तो जी मीडिया के माध्यम से ही पता लगा, अकबी आए हुए हैं ये, फिर जून में हम जो है चर्चा होगी थी भाई, आज जो है अधिकारी आ रहे चंडीगढ़ से यार, पूरा जोन बंद रखो। कल पूरा जोन बंद रहा और मेरे पास प्रधानमंत्री के यहाँ से एक लेटर आया हुआ है, अकबी जो जांच कमेटी आवेगी वो आपको अवगत भी करवाओगी और आपको विश्वास में भी लेगी, लेकिन मेरे को पता ही नहीं लगा जी। प्रधानमंत्री को मैंने शिकायत की रखी जी और दोबारा फिर मैं करूँगा कि मुझे जो है जांच कमेटी ने बुलाया नहीं और ना ही मेरे को अवगत कराएगा। तो अब कुल मिलाकर देखना ये होगा कि जांच के बाद खनन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं, क्योंकि चंडीगढ़ से आई टीम भी ठोस कार्रवाई से तो बचती ही नजर आई है। पीएम कार्यालय से लेकर सीएम कार्यालय तक अवैध खनन का मामला पहुंचने के बाद खनन विभाग के डायरेक्टर अमिताभ ढिल्लो ने पूरे दल बल के साथ खनन क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान खनन जोन में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं खनन विभाग के डायरेक्टर भी बड़ी बड़ी खाइयां खुदी हुई देखकर हैरान हो गए। दो घंटे के इस दौरे के बाद जाते जाते टीम अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई के संकेत दे गई। रणसिंह चौहान, R9 TV, यमुनानगर।